हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल आचार्य क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 11th क्लास में थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, जिसके ऊपर आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है फॉर्मूले में तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूले एक ही साथ याद कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस के फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं, आप इजीली याद करें इनको। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अब हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। देखिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से कुछ फिक्स वैल्यूज पता है, लेकिन उस टेबल में 75 डिग्री की वैल्यू नहीं आती है। तो इसे निकालने के लिए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करते हैं। सबसे पहले 75 को उन दो वैल्यूज में ब्रेक कर लीजिए जिनकी हमें वैल्यू टेबल में पता है। जैसे सपोज 75 को मैं 65 प्लस 10 भी लिख सकती हूँ, 65 प्लस 10, लेकिन 65 की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में नहीं पता। तो इसीलिए हम 75 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता है। इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 45। 30 और 45 दोनों की ही वैल्यूज हमें टेबल से अपनी पता है। अब ये देखिए बन गया साइन ए प्लस बी। तो इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटी लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें आप पुट कीजिए, ए की जगह 30 और बी की जगह 45। साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 40 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो नीचे से एलसीएम लेते हैं, 2√2 ऊपर 1 = 1 प्लस √3 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन फिफ्टीन। क्योंकि 15 है तो 15 को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, उसके बाद 30 आता है, दैट इज 0 और 30 के बीच में लाई करता है। तो यानी कि प्लस में तो हम इसको लिख नहीं सकते, तो हम इसको माइनस में लिखते हैं, टेन ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो कैसे, अब मैंने अभी यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ जरा माइनस लगाओ। जैसे हम ये माइनस लगाते हैं तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता है। तो हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। 15 को लिखते हैं 10, 45 माइनस 30। अब पुट करते हैं 10, ए की जगह पुट करते हैं 45 और बी की जगह पुट करते हैं 30। 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 45 1, 10 30 1 अपॉन √3। 1 प्लस 10 45 1, 10 30 1 अपॉन √3, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 अपॉन 1 प्लस √3। एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, एलसीएम आता है √3, √3 माइनस 1, यहाँ भी एलसीएम लेते हैं √3, √3 प्लस 1, इस √3 से वाला √3 कैंसिल आउट करते हैं, बचता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। जनरली देखा जाए तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन हम रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि कभी भी नीचे अंडर रूट वाली संख्या को नहीं छोड़ते। अगर अंडर रूट वाला नंबर नीचे नहीं छोड़ेंगे तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, दैट इज इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन गई, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू ए बी, रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, और 3 माइनस 1 दैट इज 2, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे ऐड करके, ये तो 4 माइनस के 2 रूट 3 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन लो, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आया 2 माइनस रूट 3। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी पैटर्न पे है, एग्जाम्पल नंबर 11, साइन 15। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 15 को हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, तो हम 15 को 45 माइनस 30 लिखना है। आइडेंटिटी लगाते हैं साइन ए माइनस बी की, बहुत ही ईजी, एक बार साइन एक बार कॉस, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, माइनस कॉस ए साइन बी। Now put the values of A and B. That is A, this is B. Sin 45, cos 30, minus cos 45, sin 30. Now put the value sin 45 1 upon root 2, cos 30 root 3 by 2. Cos 45 1 upon root 2, sin 30 1 by 2. That is root 3 upon 2 root 2. माइनस वन अपॉन टू रूट टू, एलसीएम ले लेते हैं टू रूट टू, तो आंसर आता है रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आचार्य क्लासेस सो दैट वी कैन गिव यू द बेस्ट, ओनली द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।